हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ऑयल, जिससे आप लोग का हेयर फॉल, बॉल पैचेस ये सभी कम होंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप देख सकते हो इसका कलर कितना प्यारा है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं करी लीव्स ऑयल। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आपके हेयर्स के लिए। जिनको भी हेयर फॉल है सीवियर, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। डल हेयर और स्प्लिट एंड्स एंड यू नो बॉल पैचेस, इन सभी के लिए। फ्रेंड्स हेयर ग्रोथ के लिए हमें नॉट ओनली एक्सटर्नल एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, ऑल्सो इंटरनल यू नो टेक केयर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको अंदर से भी स्वस्थ रहना है तो पानी ढेर सारा पीजिएगा, हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए और ये ऑयल अप्लाई कीजिए और देखिए बेनिफिट्स। तो हम देंगे हैंडफुल करी लीव्स और इसको कर लेंगे वॉश। अच्छे से वॉश कर लेना फ्रेंड्स, ताकि इसमें से कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह ना रहे। इसके साथ मैं लूँगी फ्रेंड्स आंवला, ड्राई आंवला लिटिल लाइक 2 स्पून्स है ये, और मेथी दाना 3 to 4 स्पून्स। बस इन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे हमारा सुपर मैजिकल हेयर ऑयल। फ्रेंड्स, मैंने वॉश करके जार में ले लिया है। मैं नेक्स्ट ये दोनों इंग्रेडिएंट्स भी इसी में ले लूँगी और इसको कर लूँगी ग्राइंड। फ्रेंड्स, ये देखिए ये ऐसे लगता है। फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के लिए ही जाइएगा। नॉर्मल पैराशूट ऑयल या लाइक नो बॉटल बेस आप जा सकते हो, लेकिन वो ऑलरेडी लाइक है ना बॉयल होकर यू नो सब होकर होता है, तो उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा टू बी फ्रैंक। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि कोल्ड प्रेस ऑयल लिए। मैं छोटे अमाउंट में, छोटे बैच में ही बनाने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया 1 कप ऑयल। इसमें हम ऐड कर लेंगे हमारा ये मिक्सचर। फ्रेंड्स, आप लोग ही देखिए हमारा ऑयल जस्ट 1 बाउल है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नियरली 1 बाउल ऑफ दिस मिक्सचर। तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जब ये ऑयल में यू नो डिजॉल्व होंगे, डाइल्यूट होंगे, यू नो मिक्सअप होंगे, जब ऑयल में सारे इसके अच्छाइयाँ आ जाएंगे, तो सोचिए ये ऑयल कितना इफेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए अब हम गैस को लो फ्लेम पर ऑन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन कर लिया है और लो फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी मैं ये ऑयल यूज़ करके हूँ, तो इसका इफ़ेक्ट मुझे पता है। मैं, मेरी बेटी, मेरे बेटों के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, यही हेयर ऑयल, और वाकई में मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब भी ट्राई करें और इसके बेनिफिट्स उठाएं। तो अब हम इसको अच्छे से पका लें। फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम स्टर करते जाइएगा, क्योंकि स्मॉल अमाउंट से हम बना रहे हैं तो ये जल्दी ही कुक होगा। फ्रेंड्स, ये अब इस स्टेज पर मैं ऐड करूँगी 4 to 5 क्लोव्स, जिसे हम लौंग कहते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो ये भी हम ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये अच्छे से हो रहा है। इस स्टेज पे मैं ऐड करने वाली हूँ एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होगी फ्रेंड्स। वो है रोजमेरी ड्राई लीव्स फॉर अबाउट 2 स्पून्स। फ्रेंड्स, इससे भी बहुत फ़ायदे हैं, आजकल तो सभी को पता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना सिंपल हेयर ऑयल है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही क्विकली बनता है। आप आपका नॉर्मल किचन वर्क करते हुए ही ये ऑयल बना ले सकते हो। एक साइड में सारे किचन इंग्रेडिएंट्स हैं। रोजमेरी ड्राई लीव्स आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ये ऑनलाइन में आसानी से मिल जाते हैं, या फिर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो वो हम लास्ट में इसमें ऐड कर ले सकते हैं। लेकिन अगर इसमें ऐड करके पकाओगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ऑयल का कलर है कितना प्यारा लग रहा है।
इसको और हम पकाएंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। हमें जलाना भी नहीं है फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम प्लीज़ स्टर ज़रूर करना। फ्रेंड्स हमारा जो हेयर ऑयल है 10 टू 15 मिनट्स के अंदर ही रेडी हो जाएगा और लगभग रेडी हो गया है। आप कैसा फाइंड आउट करोगे, जब ये ऑयल आप उठाओगे तो एकदम लाइट फील होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें वो लोग का पावर वो लोग दे चुके हैं। अब हम गैस स्टोव को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। अगर जब आप मसाला वो जो हमने ग्राइंड किया था वो डालोगे ना, तो जब आप स्टर करोगे तो बहुत हेवी लगेगा। वो जब रेडी हो जाएगा ऑयल तो एकदम लाइट फील होगा फ्रेंड्स। ये एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे आप लोग जब हेयर ऑयल बनाओगे तो। तब हम इसको रूम टेम्परेचर में आने के बाद में एक और स्टेप है फ्रेंड्स, वो देखेंगे। फ्रेंड्स ये रूम टेम्परेचर में आने के बाद हम इसको कर लेंगे स्ट्रेन। फ्रेंड्स हमने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे किसी भी ब्रांड का कैस्टर ऑयल फॉर अबाउट 1 and 2 स्पून्स। बादाम ऑयल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं हो तो इट्स ओके, यू कैन स्किप। ये भी हम ऐड करेंगे 2 स्पून्स। देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो हेयर ऑयल है वो बनकर तैयार है। आप देख सकते हो इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। फ्रेंड्स मैंने इसको आयरन की कढ़ाई में बनाया है, उसके भी आयरन के भी बेनिफिट्स हमारे ऑयल में आ गए हैं। टोटली ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करिए यूज़ करके, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी आप सबसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।